नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पार्सले के फ़ायदों के बारे में, और इसके कुछ 11 ऐसे फ़ायदों के अमूल्य फ़ायदों के बारे में आपको बताया जा रहा है जिसको शायद ज़्यादा लोग अभी तक नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका परिचय देते हैं कि आखिर पार्सले होता क्या है। दोस्तों, पार्सले हरे धनिए की तरह दिखाई देता है। दरअसल ये एक विदेशी हर्ब होता है, लेकिन अब भारत में भी इसका इस्तेमाल भोजन पकाने के लिए किया जाने लगा है। पार्सले से सेहत को ढेर सारे फायदे होते हैं। मुख्य रूप से इसे मध्य पूर्वी, यूरोप और अमेरिका के देशों में खाने को टेस्टी बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों, पार्सले को आप सलाद, सूप आदि में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इससे भोजन की गार्निशिंग भी कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी और विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और तो और, इसमें कैल्शियम, एमिनो एसिड, फोलेट, फैटी एसिड, आयरन और फाइबर, बीटा कैरोटीन भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था इसका परिचय। अब आपको बताते हैं इसके कुछ 11 फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, इसका पहला फ़ायदा आता है हड्डियों को मजबूत बनाने में। इसमें पाए जाने वाला विटामिन के ऑस्टियो कैल्शियम के संश्लेषण के लिए ज़रूरी होता है। यह टिश्यू में कैल्शियम को जमने से भी रोकता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ में स्ट्रोक, आर्थरोस्क्लेरोसिस तथा रक्त संचरण की बीमारियों से बचने में आपकी मदद करता है। दूसरे फायदे की बात आती है दोस्तों, पार्सले के सेवन से ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहता है। इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है जो दिल के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा पेट के लिए पार्सले काफ़ी फायदेमंद होता है। पार्सले की चाय पीने से पेट की कई सारी बीमारियां दूर हो सकती है। इससे पाचन तंदुरुस्त बनता है जिससे भोजन जल्दी हजम हो जाता है। इसके अलावा पार्सले को चबाने से सांसों से आने वाली दुर्गंध को दूर किया जा सकता है। इसलिए मुंह की बदबू से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पार्सले चबाना काफ़ी आसान उपाय है। पार्सले से बनाया गया ऑयल बालों में लगाने से बालों का झड़ना रुक जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें कई प्रकार के विटामिन जैसे कि विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए और के पाए जाते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। पार्सले के सेवन से दिमाग की नशे भी शांत होती है। जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बनेगा तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। इसलिए बीमारियों से बचना चाहते हैं तो पार्सले का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, स्मोकिंग अगर आप लोग करते हैं तो उससे कितने गंभीर परिणाम आपको भुगतने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में पार्सले आपको स्मोकिंग से होने वाले नुकसानों से बचाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पार्सले का माइस्टिस धूम्रपान से होने वाले धुएं में उपस्थित कैंसर के कारक तत्व बेंजोपायरिन के असर को कम कर देता है, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड और बड़ी आंत के कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। दोस्तों, गुर्दे के लिहाज से पार्सले काफ़ी अच्छा होता है। यह बॉडी से फालतू लिक्विड को बाहर निकालकर किडनी को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। लेकिन पार्सले में ऑक्सलेट्स भी पाए जाते हैं जो उन लोगों के लिए मुश्किल की वजह बन जाता है जिन्हें पहले से ही किडनी और गाल ब्लैंडर की समस्या है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। इसके अलावा दोस्तों, कैंसर होने का खतरा कम करता है पार्सले। जी हाँ दोस्तों, पार्सले के तेल का इस्तेमाल कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को नष्ट करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पार्सले कैंसर विरोधी आहारों में से एक है, यानी कि इसका सेवन करने से कैंसर से बचने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने में यह सहायता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से विटामिन ए की कमी से होने वाली कई सारी बीमारियों से, परेशानियों से आपको बचने में मदद मिलती है। दोस्तों, इसका 11वां और आखिरी फायदा यह होता है कि इस बेहतरीन हर्ब के सेवन से जोड़ों के दर्द से आराम पाया जा सकता है। इसके अलावा यह सूजन को भी कम कर सकता है, इसलिए पार्सले को अपने खाने में डालना चाहिए, इससे जोड़ों का दर्द दूर हो सकता है। दोस्तों, एक खास बात जो कि आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों पार्सले के सेवन से गर्भवती स्त्रियाँ बिल्कुल परहेज करें। जी हाँ दोस्तों, ये खास तौर पर मुख्य बात आपको काफ़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए केवल गर्भवती महिलाओं के अलावा
और लोग इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें। तो दोस्तों ये थे पार्सले के कुछ 11 बेहतरीन फ़ायदे और कुछ अमूल्य विशेष बात इसके बारे में। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जानकारी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।